हर खबर पर रहना चाहते हैं आगे, तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हम आपको मौके पर ले चलेंगे शकरपुर, जहां पर मुठभेड़ हुई और पांचों आतंकी गिरफ्तार हुए। हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता ने मौके का जायजा लिया, रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पुलिस को मिली है एक बड़ी कामयाबी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल जैसी जानकारी मिल रही है, ये सभी जो संदिग्ध हैं ये कथित आतंकी हैं और इनके पास से असलाह भी बरामद हुआ है। पुलिस ने जब इनको जो है रोका है, स्पेशल सेल ने रोका है, तो फिर एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, यानी कि इन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया था, गोलियों से गोलियां भी चली। और देखिए ये जो यहां पर निशान भी बने हुए हैं कि किस तरीके से कितने राउंड फायर हुआ है। ये इस डायरेक्शन में गाड़ी आ रही थी और यहां पर 6 राउंड तो ये यहाँ पर दिख रहा है कि 6 राउंड फायर हुआ है। ये देखिए ये जो गोलियां यहाँ पर जो गोली के खोखे बरामद हुए थे और पुलिस ने जो मार्किंग की हुई है लोकेशन पर आकर के, ये पूरी लोकेशन है जहाँ पर ये घटना घटी है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि दिल्ली में 5 संदिग्ध लोग घूम रहे हैं और इनके ऊपर नॉर्को टेररिज्म का आरोप है और इसके जो है साथ में इनके ऊपर ये है कि इनका ISI से लिंक है। और फिलहाल देखिए गाड़ी के अंदर की क्या तस्वीरें हैं। गाड़ी अब यहां से ले जाने की कोशिश हो रही है। JK नंबर की गाड़ी है, JK 048173, ये वो गाड़ी है जिसको जो यहां से ले जाने के अब जो है ले जाया जा रहा है, क्योंकि ये भी जो है एक सबूत रहेगा, लिहाजा इसको जो है कोर्ट में भी जो है सीज किया जाएगा, कोर्ट में इसको जो है रखा जाएगा। तो फिलहाल ये केस प्रॉपर्टी के तौर पर जो है रहेगी गाड़ी पुलिस के पास में। तो अब ये देखिए कि किस तरीके से इस गाड़ी में 5 लोग थे और दवाइयां भी हैं इसमें, फल पड़े हुए हैं। और ये जो है घटना जब घटी है तो उस दौरान पुलिस ने इन लोगों को रोका है। इसमें से 2 लोग पंजाब के और 3 कश्मीर के बताए जा रहे हैं। फिलहाल स्पेशल सेल इनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन देखिए किस तरीके से JK नंबर की ये गाड़ी है। पुलिस को ये जानकारी मिली थी और उसके बाद में अब इस गाड़ी को जब घेरा गया है तो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, दूसरी तरफ से भी गोलियां चली हैं। उस गोलीबारी के बीच में पुलिस की स्पेशल सेल ने इन 5 लोगों को हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया है और फिलहाल पूछताछ चल रही है। क्योंकि एक तरफ देश में कल बंद बुलाया गया है, किसान आंदोलन चल रहा है, तो सवाल यही है कि कहीं इनकी मंशा किसी और घटना को अंजाम देने की तो नहीं थी इसी की आड़ में। तो कई सारे सवाल हैं जिनको लेकर के फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन स्पेशल सेल ने इन लोगों को सोमवार सुबह ही गिरफ्तार किया है और स्पेशल सेल के दफ्तर में पूछताछ चल रही है। इस सबके बीच में उस गाड़ी को तो आप मौके की तस्वीरें देख रहे थे, उस मौके पर दिल्ली के शकरपुर इलाके की तस्वीरें थी जहां पर इन 5 आतंकियों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की मुठभेड़ हुई। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, बलविंदर संधू के हत्यारे सीसीटीवी फुटेज है बीच में, जो बलविंदर संधू के हत्यारे जिस सीसीटीवी फुटेज में देखे गए थे और अब स्पेशल सेल की गिरफ्त में वो हत्यारे हैं। ये 3 तस्वीरें बलविंदर संधू के हत्यारे पकड़े गए, तस्वीरें देखिए, सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। पंजाब पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया था कि हत्या किसने की है, लेकिन हत्यारे फरार थे। आज दिल्ली पुलिस ने इन हत्यारों को सुबह शकरपुर में हुई मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। ये 5 आतंकी जो गिरफ्तार किए गए हैं उसमें से 2 आतंकी वो हैं जिन्होंने बलविंदर संधू की हत्या की थी, शौर्य पदक विजेता थे और पाकिस्तान समर्थित तमाम खालिस्तानी समर्थक दलों के खिलाफ, संगठनों के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए थे।